इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खुदाबंद करीम ने हमारे ऊपर ज़कात, सदक़ात और दिगर अतियात के अहकाम क़ुरान मुक़द्दस में हमें दिए हैं और बड़े वाज़े अल्फाज में अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हमें यह अहकाम अता फ़रमाए कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा कि मेरे बंदे, कल मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। अल मुख्तसर बंदा सवाल करेगा, मेरे मौला तू तो बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, तुझे खबर नहीं कि फ़लाँ आबादी में मेरा बंदा भूखा था, अगर तू उसे खाना खिलाता तो यकीनन तू मुझे उसके करीब पाता। फ़लाँ प्यासा था अगर पानी पिलाता यकीनन तू मुझे उसके करीब पाता। यही वो जज्बात हैं जो मुसलमानों के दिलों में गरीबों, मुफलिसों, ज़रूरतमंदों की हमदर्दी पर मुसलमानों को उभारता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी निगाहों के सामने यह अजीम कारनामा है जो अल्लाह के एक बंदे जनाब मुज़म्मिल इब्ने इकबाल अहमद डोनी की तरफ से और उनके अहबाब और उनकी जमात के बाद ज़िम्मेदारान की तरफ से यह अजीम कारनामा अंजाम दिए जा रहे हैं। जिन्होंने जब से मखलूक खुदा
लॉकडाउन में मुब्तला है, सैकड़ों लोगों की मदद कर चुके हैं और जैसा कि मालूम हुआ कि ख़ुद अपनी तरफ से उन्होंने इस तरह के 750 पैकेट अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तैयार करके ज़रूरतमंदों को बग़ैर किसी रिया सुमा के लोगों तक पहुंचाया है। और बाज़ मामलात में उनके रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी के बाज़ अफराद ने और खंजर गली जमात के बास गयूर अफराद ने भी इस सिलसिले में उनका ताउन किया है, लेकिन बड़ा हिस्सा ख़ुद जनाब मुजम्मिल डोनी और उनके वालिद गिरामी जनाब इकबाल डोनी साहब और उनके अहल खाना का है। यकीनन ये काबिल मुबारकबाद हैं। मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम नाजरीन, अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में इस वक्त में एक अजीब तरह सी वबाई बीमारी आम हो चुकी है जो हर कस व नाकस इससे वाकिफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे अहबाब शुरू ही दिन से, जिस दिन से लॉकडाउन जारी हुआ है उस दिन से ही उन हजरात की जो ज़रूरतमंद हैं उनकी फ़िक्र में मसरूफ़ हैं। और इसी सिलसिले में जनाब मुजम्मिल डोनी साहब जो जनाब इकबाल साहब के फ़र्जंद हैं, इनके कारनामे और खिदमात हमारे शहर बेलगाम में बहुत सारे नुमाया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी ख़ुद अपने तौर पर इसी तरह खंजर गली जमात और एक इदारा है रहनुमा उसी की उसके तरफ से भी बहुत सारी खिदमात इन्होंने अंजाम दी हैं। इससे पहले भी आप हजरात के सामने तकरीबन 450 पैकेट पहली मरतबा में इन्होंने तकसीम करवाए थे, उसके बाद भी हुआ और अभी रमज़ान में इस वक्त में सख्त ज़रूरत है लोगों की, उस मौके के हिसाब से बहुत सारे पैकेजेस जो तकरीबन महीने भर का राशन है वो तकसीम किया जाना शुरू है। तो मैं एक तो इन हजरात की खिदमात को ये दुआगो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए, इसका बदला अल्लाह ताला इनके सारे ख़ानदान वालों को अता फरमाए। और इसी तरह जो हजरात अल्लाह ताला ने जिनको माल दिया है वो अपना माल इस वक्त में उम्मत के लिए लगाएं, जो ज़रूरतमंद हजरात हैं वो अपनी ज़रूरत किसी तरह पेश ना कर सकें तो हम खुद जान करके उन तक ज़रूरतों का सामान पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात की खिदमात को कबूल फरमाए। आखिर में फिर मैं दोबारा जनाब इकबाल साहब के फ़र्जंद जनाब मुजम्मिल डोनी साहब के हम शुक्रगुजार भी हैं कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए से बहुत सारे खिदमात ले रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इखलास की तौफीक नसीब फरमाए और इसका बेहतरीन बदला आखिरत में नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, आज के हालात से आप मुतासिर हैं कि कोरोना वायरस का ये सेकेंड राउंड चल रहा है, इसे बहुत महामारी की वजह से जो रोज़ कमा कर खाने वाला तबका है ये बहुत ही परेशान और दुर्दशा में जा रहा है। लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे वार्ड नंबर 35 के मुजम्मिल डोनी अपने वार्ड के जितने भी ये अपने मोहल्ले है, खंजर गली मोहल्ला है, दरबार गली है, घी गली है और चिराग नगर है, भंडारशाह गली है, चांदू गली है, चंबार गली है, कोतवाल गली है, इन तमाम मोहल्ले में रहने वाले गरीब जो रिक्शा ड्राइवर है, पीटी मैकेनिक्स है, छोटे मजदूर लोग हैं, ये बेरोज़गार में बहुत ही परेशान हाल में गुजर रहे हैं। तो इनकी इमदाद इन्होंने इसके पहले भी एक दो हफ्ते पहले 450 पैकेट का पैकेज इन्होंने गरीबों में तकसीम किया और दोबारा सेकेंड राउंड में भी फिर उन्होंने 150 पैकेज इन गरीबों में हमारे वार्ड नंबर 35 के मुजम्मिल डोनी अपने खुदी से इनफरादी तौर पर अखराजात करके ये तमाम गरीबों को उन्होंने मुहैया किया है। अभी थर्ड राउंड के अंदर कुल मिलाकर इस मरतबा फिर दोबारा थर्ड राउंड में 750 का पैकेज इन्होंने अपने तरफ से इन गरीबों को तकसीम कर रहे हैं और खंजर गली जमात वालों की तरफ से 160 लोगों का पैकेज गरीबों में तकसीम कर रहे हैं और रहनुमा एजुकेशन फाउंडेशन के तरफ से भी 140 पैकेज कुल मिलाकर इस थर्ड राउंड के अंदर 1050 लोगों को पैकेज से तीसरी मरतबा
उनकी खिदमत से ये अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। मेरा नाम फैयाज पठान है, मैं असद खान सोसाइटी से बात कर रहा हूँ। मैं सभी हजरत से ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, सभी हजरत को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हालात तो देख रहे हैं, ये बेलगाम शहर में यानी कि पूरे दुनिया भर में ये हालात ऐसे आए हैं कि हर लोग, बहुत सारे जैसे कि मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, बहुत परेशान हैं भूख की शिद्दत से। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई होगी, इसीलिए हम सब मिलकर, मुबारक महीना है, अल्लाह अल्लाह के रसूल को राज़ी करे और हमारी परेशानी दूर होने की दुआ करे। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना वक्त जो है इबादत में गुजारे। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, सभी जितने भी मेरे लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कोऑपरेट करें और ये जो बीमारी फैल चुकी है इसके ऊपर भी कुछ बातें अमल करें, क्योंकि लापरवाही बहुत हो रही है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारे को साथ दे रही है उनका भी हम कोऑपरेट करें और ज़्यादातर हम अपने घरों के अंदर वक्त निकालें और इबादत करें और अल्लाह को राज़ी कर लें, ताकि ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज फिर से वार्ड नंबर 35 के अंदर, जैसा कि पहला राउंड हमारा हुआ 450 पैकेट का, उसके बाद में और एक 150 पैकेट का हुआ और ये थर्ड राउंड भी हमारे 200-250 पैकेट का काम चला है। तो मेरी तरफ से सेल्फ एक 700 से 750 पैकेज मेरी तरफ से मैं डोनेट किया हूँ, और उसके अलावा खंजर गली जमात से 160 पैकेज का भी काम हुआ और रहनुमा एजुकेशन का भी अच्छा काम हुआ, 140 पैकेज उनकी तरफ से भी मुझे बनाने के लिए कहा गया था। तो टोटल 1050 पैकेट वार्ड नंबर 35 के अंदर, जैसा खंजर गली जैसा मेरा वार्ड आता है वो वार्ड के अंदर हमने तस्कीम किया और आजू बाजू भी एरिया है। और उसके अलावा भी हमारे दरबार मोहल्ला जमात वो भी अच्छा काम कर रही है, जारगर गली जमात वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, दरबार गली, जारगर गली, फिर चांदू गली, भंडारसा मोहल्ला जमात, खंजर गली जमात, उनका भी अच्छा काम चालू है, और रहनुमा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी उनका भी अच्छा काम चालू है, मदीना फाउंडेशन, ख्वाजा गरीब नवाज़ फाउंडेशन, फिर अंजुमन वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, और सेठ साहब, उसके अलावा भी रहमान फाउंडेशन, इसके अलावा हमारे शिफा एजुकेशन भी अच्छा काम कर रहे हैं, बागवान वेलफेयर भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोतवाल गली जमात, और भी मेरे लोग वार्ड में जितने भी जमाते हैं वो भी बढ़ चढ़ के अच्छा काम कर रहे हैं। बेलगाम के अंदर बहुत और भी थोड़े फाउंडेशन हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले दिनों में भी हमारा ये काम ऐसा चलता रहेगा। जब भी लोगों को कोई भी तकलीफ़ है वार्ड नंबर 35 के अंदर हो या बेलगाम शहर के अंदर किसको भी अगर तकलीफ है, तो एक छोटी हमारी कोशिश है, जो भी हमारे हाथ से बन पड़ेगा हम इंशाल्लाह करेंगे। और एक खाली पैकेज के अंदर माल लगाने का काम मैं या खंजर गली जमात ने किया है, लेकिन इसके अंदर बढ़ चढ़ के मेरी एक टीम जो खंजर गली के हमारे भाई बहुत सारा इसके अंदर अपना वक्त लगाए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि अभी हमारे फयाज़ भाई बोल रहे थे कि माहौल बहुत ये है, अभी जैसा कि सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुलने का जो सरकार की तरफ से फैसला है, मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूरत के जितनी ज़रूरत है उतना ही निकले, भीड़ ना बनाए और अपनी इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने रोज़े, अपने तरावी, अपने नमाज़ें अपने घरों में अदा करें, और किसी भी तरह से मुसलमानों के पर वो बदलाव हुए ऐसा कोई काम ना करें।